आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। IPL 11 में शनिवार को टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया। इस बेहद रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मेजबान मुंबई इंडियंस को एक विकेट से हरा दिया। एक वक्त पर मुंबई की टीम इस मैच में जीत के काफी करीब दिख रही थी, लेकिन एन वक्त पर ड्वेन ब्रावो ने तूफानी बैटिंग करते हुए मुंबई को जीत से दूर कर दिया। जसप्रीत बुमराह का किया 19वां ओवर मुंबई के लिए घातक साबित हुआ। इस ओवर में 20 रन बने और इसके साथ ही चेन्नई के हाथों में ये मैच आ गया। 18 ओवर के बाद चेन्नई की टीम का स्कोर 8 विकेट पर 139 रन था और क्रीज पर ड्वेन ब्रावो के अलावा इमरान ताहिर थे। इस वक्त चेन्नई को जीत के लिए 12 बॉल पर 27 रन की जरूरत थी। ऐसे में मुंबई के कप्तान रोहित ने बॉलिंग का जिम्मा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह को दिया। बुमराह को ओवर मिलते ही मुंबई के फैंस का जोश बढ़ गया और उन्हें लगा कि मैच अब उनकी टीम जीत चुकी है। ऐसे में स्टेडियम में शोर और बढ़ गया। ड्वेन ब्रावो ने बुमराह के इस ओवर में 3 सिक्स लगाते हुए कुल 20 रन बना दिए और मुंबई को जीत से बेहद दूर कर दिया। इसके बाद आखिरी ओवर की 3 बॉल पर कोई रन नहीं बना, लेकिन अगली 2 बॉल में केदार जाधव ने टीम को मैच जिता दिया।